स्वागत है आप सबका ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो केवाईसी के लिए फॉर्म होता है उसके ऊपर सिग्नेचर और स्टाम्प और उसके मोबाइल नंबर कैसे फिलअप करेंगे अपने ही मोबाइल से, न कि आप कंप्यूटर में जाकर आप प्रिंट निकाल के आप उसके ऊपर सिग्नेचर करें। तो दोस्तों आज वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से आपको नहीं कर पा रहे, आप कंप्यूटर में नहीं जा पा रहे या ईमेल पर नहीं जा पा रहे, तो आपके मोबाइल से आप सिग्नेचर और डेट और स्टाम्प कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। केवल और केवल फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर डेट और स्थान कैसे लेंगे, ये नहीं बताऊंगा कि आपको अपलोड कैसे करना। अगर अपलोड करने के लिए जाना चाहते हैं वीडियो बनाना बनाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले कमेंट बताना चाहिए वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, इसलिए आपको कमेंट बताना चाहता है। सर मुझे पता है कि हमें कैसे फॉर्म को कैसे फिलअप करें, लेकिन आज बात करने वाला फॉर्म के ऊपर फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर और स्थान और डेट कैसे तो चलिए दोस्तों हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है बैकग्राउंड, ये प्ले स्टोर में मिल जाए, और दूसरा है कैम स्कैनर, ये दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको जाना बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर जो भी आपका सिग्नेचर है डेट है और स्थान है उसको आपको फोटो खींच लेना है कागज़ पे साइन वगैरह करवा के। लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको जो भी सिग्नेचर वगैरह जो फोटो खींच रखे हैं उनको आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना जो कैमरे से खींच लिए। जैसे मैंने कैमरे को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पॉन्सर और जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर न्यू उसका मैंने फोटो खींच रखा है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना, क्रॉप करने के बाद आपको स्पॉन्सर का नाम जो भी मतलब किसी का भी नाम है उसको ये ऐसा करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना। डन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो ये रेड वाला बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना और क्लिक कर यहाँ छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा और ये आगे हट जाएगा। ये होने के बाद अंदर कहीं रह गया तो वो भी आप कर सकते हैं आराम से, जहाँ प्लस का निशान बराबर रखना है आपको हिसाब से सही तरीके से रखकर आपको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना, डन पर क्लिक करने के बाद आप सेव को ऑप्शन पे क्लिक करना और सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद दूसरा और है स्पॉन्सर का नाम, जैसे कि मैंने दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक करने के बाद इसको और क्रॉप कर लिया स्पॉन्सर का नाम। ये करने के बाद आपको डन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन क्लिक करना है। आपको इसी प्रकार सब आपको कर लेना है, तो ध्यान रहे कि आप सब इस प्रकार करते रहना, मैं वीडियो थोड़ा स्केप कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर, डेट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको उसी प्रकार करते रहना और ये करने के बाद ये सिलेक्टेड हो जाएगा और जो भी मतलब ऑप्शन है बीच में वो सब क्लिक कर लेना एक बार अच्छे से, देख कर ही आपको सिलेक्टेड करना, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से। ये करने के बाद डन करना, डन करने के बाद आपको सेव कर लेना अच्छी तरह से। सेव करने के बाद आपके सामने स्थान का आप डालना, अब स्थान को भी सिलेक्टेड कर दिए जो स्थान भी है इसमें ऑप्शन है, तो मैं स्थान को सिलेक्टेड करता हूँ। सिलेक्टेड करने के बाद इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्रॉप करने के बाद आपको इसी प्रकार जो मैंने पहले बताया उसी प्रकार आपको सब कुछ कर लेना है। ये होने के बाद हम बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आपको जाना है कैम स्कैनर में। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने जो फॉर्म डले हुए, जो आपके अगर फॉर्म नहीं है यहाँ पर, तो आप जो भी जहाँ गैलरी में पड़े वहाँ से यहाँ पर कैमरे पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये होने के बाद फोटो पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद जो भी आपका फोटो सिलेक्टेड किया हुआ वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, इम्पोर्ट कर देना जो भी आपको मतलब फॉर्म पे फिलअप करना है। जैसे आपने फिलअप किया, फिलअप करने के बाद आपको इम्पोर्ट कर लेना, इम्पोर्ट करने के बाद आप इनमें से ये जैसे कि सिलेक्टेड हो चुका है इसको पूरा सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट करके यहाँ तक रखना है। ये होने के बाद इसका थोड़ा रंग बढ़िया हो जाएगा, जैसे कि आप थोड़ा हल्का सा करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं इसको, मतलब अलग अलग लाइट है इसमें, मैजिक है, जो भी कलर देना चाहते हो वो दे सकते हैं आराम से आप। जैसे कि मैं नॉर्मली रखता हूँ, नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल अच्छा रहता है। तो ये रखने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। जितने भी आपके पास PDF है जो भी फोटो है उसको कर लेना। ये करने के बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको शेयर JPG कर लेना, JPG कर लिया। JPG करने के बाद आपको डन या सेव टू गैलरी में कर लेना, सेव टू गैलरी में हो जाएगा और डन पे क्लिक कर लेना। ये जैसे ही हो गए उसको मतलब ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने भी आपको PDF है वो सब इस प्रकार कर लेना है, जो भी मतलब फोटो उसको इस प्रकार करना। करने के बाद आपको ये सब हो चुके हैं, आपको सेव कर लिया गैलरी में। गैलरी में होने के बाद आपको सबसे पहले अब जाना है पिक्सल ऐप में, जो कि ये पिक्सल ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से।
इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाए। इंटरफेस खुलने के बाद आपको प्लस पे निशान पे क्लिक करना, क्लिक करना फॉर्म गैलरी पे क्लिक करना, गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपने फॉर्म सब जो गैलरी में सेव किया हुआ वो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा। इसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इसमें ये इसको मॉडिफाइड करने के लिए बड़ा मॉडिफाइड हो रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, राइट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम करके इसको बराबर बीचों बीच ले आना है। इसके दूसरे भाग में आपको करना है जो भी मतलब आपने दिया हुआ दूसरे भाग में, इसका फर्स्ट भाग है और ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग में आपको सिग्नेचर कर लेना है। ये ऑप्शन है उस सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर डेट और प्लेस, तो आपको इस प्रकार कर लेना, जूम कर लेना थोड़ा सा। ये करने के बाद इस प्रकार कर लेना। ये करने के बाद आपने जो सेव किया था इरेजर बैकग्राउंड से उसको आपको यहाँ पर सिग्नेचर डेट और पैलेस लाना है। तो प्लस पे निशान पर क्लिक कीजिए फ्रॉम गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको जाना इरेजर में। ये इरेजर में जाए, यहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले लेना है सिग्नेचर। ये सिग्नेचर ले दिए, राइट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको छोटा कर दिया, जितना आपका मतलब फॉर्म उसका छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद यहाँ पर फ्लिप कर दिया, यहाँ पर फ्लिप कर दिया, ये फ्लिप हो चुका है। और डेट डालना है तो यहाँ पर वापस क्लिक कीजिए, फॉर्म पे जाइए, गैलरी पे जाइए, यहाँ पर डेट सिलेक्टेड कीजिए, सिलेक्टेड करने राइट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर वही प्रोसेस सेम प्रोसेस आपको करना है। साइज आपको कर लेना छोटी बड़ी जो भी साइज है, ये डेट हो चुकी। अब पैलेस है, पैलेस उसी प्रकार करना है जिस प्रकार मैंने कर रखा है। तो ये करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पर जाने के बाद टेड है तो इसको सीधा कर दीजिए, यहाँ से सीधा हो जाएगा। और ये होने के बाद इसको साइज छोटी कर दी, इसके भी करने के बाद मानोगे ये बड़ी और है, तो जितना छोटा करना चाहते हो इतना छोटा कर लो। और ये हो चुका है। ये होने के बाद नीचे लिखा हुआ स्पॉन्सर सिग्नेचर, तो प्लस पे क्लिक कीजिए, फॉर्म पे जाइए और जो स्पॉन्सर है उसके सिग्नेचर लीजिए। और वही प्रोसेस सेम आपको, वही स्पीड वही रखना है, जो भी आपका प्रोसेस है वो कर लेना है। साइज कर ली छोटी और ये हो चुका है स्पॉन्सर भी का सिग्नेचर। ये होने के बाद जितने भी ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिए और टिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद सेव इमेज पे क्लिक करना और यहाँ पर करना है अल्ट्रा और ये जब भी जी है इसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके तो यहाँ पर कर लेना सेव टू गैलरी। सेव टू गैलरी में करने के बाद ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप दूसरा और ऑप्शन ले सकते, दूसरा मतलब जो फॉर्म डालना चाहते वो। ये होने के बाद फॉर्म सिलेक्टेड हो चुका, इसका अगला फॉर्म जो सेकंड भाग है जो आपने पिक्चर ली हुई है इसमें से आपको करना है। यहाँ पर क्लिक यहाँ से ले आना, कहाँ पर आपका फॉर्म पड़ा वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड भाग, ये रहा सेकंड भाग, इसको पर क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ये होने के बाद आपको कर लेना यहाँ से अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना एक बार, जो भी कंडीशन है वो आपको टिक कर लेना पहले से। और एप्लीकेंट सिग्नेचर वो इसी प्रकार आपको प्रोसेस करना है सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप सरल तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे कि मैंने एप्लीकेंट का सिग्नेचर ले लिया, ये वही प्रोसेस करना आपको सेम। यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना जो भी मतलब सिग्नेचर वगैरह है, साइज वो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये करने के बाद आपको वो भी प्रोसेस कर लेना कंप्लीट तरीके से। ये सब करने के बाद आपको बाहर आ जाना, बाहर आने के बाद वापस कैम इसके अंदर में जाना आपको। सबसे फर्स्ट ये जाने के बाद आपको कैमरे पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म फर्स्ट वाला किया वो सब आपको सिलेक्टेड करना, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये सिलेक्ट करके आपको इम्पोर्ट कर लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर PDF का ऑप्शन, उसके PDF पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे PDF पे आप क्लिक करोगे ये PDF में बन जाएगा, जैसे PDF बन चुका आप देख सकते हैं आराम से
पूरा पीडीएफ जैसे सिग्नेचर वगैरह सब कंप्लीटेड है तो आपको यहाँ से शेयर कर लेना। यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको सेव टू लोकल में सेव कर लेना। ये सेव हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो लोकल में जाकर तो आप गैलरी में जा सकते हो आराम से, गैलरी में जाकर कैम इसके अंदर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पीडीएफ कैम इसके अंदर पीडीएफ आप कहीं पर भी खोल सकते हैं ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में देख सकते हैं आप एक सिग्नेचर वगैरह सब कंप्लीट रूप से है। तो आप इस प्रकार आराम से बना सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत और सरल तरीके से, बहुत ही अच्छा है ये और आराम से आप फिलअप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अगला भाग देखना चाहते हो वीडियो को, मतलब फॉर्म को अपलोड कैसे करते हैं केवाईसी के लिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।